कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को पक्का करने की बात हमने अपनी खबरों के माध्यम से कई बार उठाई। डीटीसी और परिवहन विभाग में हजारों कर्मचारी आज पक्के होने का सपना देख रहे हैं। इनका सपना देखना जायज भी है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ही उन्हें सपने देखने के लिए मजबूर किया है। दिल्ली सरकार ने अपने हर चुनाव में परिवहन विभाग सहित अन्य विभागों के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया, लेकिन जब जब सत्ता पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करने का वादा धुंधला पड़ता चला गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी आज भी पक्का होने की उम्मीद में है। हमने भी अपनी खबरों में कई बार ये मुद्दा उठाया, लेकिन हर बार दिल्ली सरकार की तरफ से कोई खास जवाब सुनने को नहीं मिला। परिवहन विभाग में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी भारी मात्रा में कार्य कर रहे हैं। हमने अपनी खबर में कई बार दिखाया कि यदि दिल्ली सरकार चाहे तो सिर्फ एक कैबिनेट की बैठक कर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को राहत दे सकती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का समान काम समान वेतन का आदेश लागू करना, दूसरे नियम की बात करें तो दिल्ली सरकार 30 नवंबर 2012 के उस ऑर्डर को लागू कर सकती है जिसे दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली जल बोर्ड में लागू किया गया था, जिसके मुताबिक बेसिक टीए और ये सुविधा राहत दी जा सकती है। वहीं तीसरा नियम है केंद्र सरकार के द्वारा मिनिमम वेज का नियम, जिसे अडॉप्ट कर दिल्ली सरकार कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के जीवन को खुशियों से भर सकती है। तीन नियमों में से किसी को भी तुरंत फॉलो कर दिल्ली सरकार परिवहन विभाग व डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को वह सुविधाएं दे सकती है जिससे उन्हें जीवन यापन करने में काफी सहूलियत मिल जाए। लेकिन शायद दिल्ली सरकार अभी इस मूड में नहीं है। यदि सरकार चाहे तो जब तक इन्हें पक्का नहीं किया जाता तब तक ये तीन नियम फॉलो करे, लेकिन ऐसा कुछ भी करना सरकार की मंशा में शायद नहीं है। सरकार को तुरंत इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में भी अब निगम के चुनाव होने हैं और यदि सरकार ने इस बार भी ऐसा नहीं किया तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। न्यूज़ ट्रांसफर विशेष ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली।